की जगह कोरकोला ना बन जाए। तो गाइस ये देखो बिल्कुल छोटू सा बन गया है मेरा हेयर स्टाइल, और देखो गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अपने पौधों के साथ, बट दो पौधे वहां से मिसिंग है, कहाँ चले गए पता भी नहीं, क्योंकि रात हमारे यहाँ पे ना बारिश आई थी, और शायद से क्या तो वो पापा ने उठा के रख दिया ऊपर, या फिर उनको कोई लेके नहीं जा सकते गाइस, क्योंकि घर पे तो कोई आता ही नहीं, क्या पता वो हमारे घर से परेशान होकर खुद ही टन 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 करके बाहर चले गए हो। हमारी ओहो यहाँ पे है देखो गाइस, कैसे ना 1 2 3 4। अच्छा ये ना यहाँ से जाने की सोच रहे, हमारे यहाँ पे कल रात बारिश पड़ी थी पूरी रात गाइस, स्वाति सोई भी नहीं उपजाई, फिर से बॉर्ड पे ड्यूटी गई अपने, और अब आके वो थोड़ा सा सो गया, जो जॉब करता है गाइस उसके साथ ऐसे ही होता है। गाइस जो मम्मा का माइक है इसको मैं आज यूज करके देखती हूँ, और अब मैं इसको लगाया करूंगी, क्योंकि जब आया है तो उसको यूज करना तो बनता है, सिंपल सी बात है। तो मैं उसको यहाँ लगाती हूँ, यहाँ लगाते हैं और देखते हैं इसकी जो वॉइस है कैसी आ रही है। और अब मैं इसे माइक लगा के शूट करूँ तो गाइस आपको डिफरेंट खुद ही पता चल जाएगा, और अगर आपको डिफरेंट पता चल रहा है और अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी लग रही है माइक में तो कमेंट करके बता देना गाइस। मम्मी को कल्टी मारते हैं, मैं यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी गाइस, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा मैं जाती हूँ बाहर, क्योंकि वो जॉब जाती है, जॉब से डायरेक्ट फिर घर आती है। मेरे जैसे मैं कल गई थी निक्की के साथ, तो माइक जब हम यूज़ करते हैं तो तब कुछ नहीं होता, ये माइक अब मेरे फ़ोन में अच्छे से अपना काम करता है। भूख लग रही है, वो क्यों खाना नहीं खाया था, बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं इनको, कैसे आज टाइम नहीं मिला, काम ज़्यादा था स्कूल में, इधर क्यों चली जा रही है, छुट्टी कब से पड़ेंगी गाइस, टीचर की छुट्टी पड़ रही है 1 जून से और बच्चों की 20 मई से है ना, देख रहे हो लड़की को। हाँ कहाँ जा रहा है टूर पे, गाजियाबाद। तो गाइस वहाँ जा रहा है, जैसे कि आपको इसकी आवाज आ ही गई होगी क्योंकि मैं माइक लगा रखा है, तो आवाज नहीं आ रही वहाँ जा रही, बट ये नहीं जा रही क्योंकि इसकी तबीयत खराब है गाइस, तो ये नहीं जाएगी। अब स्वाति इसको करके लेकर आएगी अंदर और गरम गरम चाय देगी हमें। भाई देख बाल लंबे हो गए, हाँ लग रहा है देख, हाँ हो गए हैं, चल ये ढिंचका घोड़े के बाल है, घोड़ी के बाल। अच्छा हाँ क्या सीख लिया आपने अपनी सास से? मैंने तो सास से क्या बनाना सीखा, मैंने हाँ। तो जो भी उन्होंने आता था तो मैंने भी सीखा। हाँ तो क्या सिखाया सास ने आपको, आपकी मेरे को बनाना क्या सिखाया? हाँ मेरे को बनाना सिखाया था हाँ। वो जो बेसन की वो नहीं होते पिकले, हाँ वो बनाना सिखाया था मुझे। अच्छा तो मैंने भी अपने मतलब मैंने भी ट्राई करा, मगर मेरे को नाच लग गया, भी नहीं आया नाच लग गया। हाँ जब उन्होंने बनाना सिखाया जब मेरे को नहीं आया, मगर जब मैंने अपनी तरीके अपने लिए बनाया हाँ। बच्चों के लिए बनाया जब बहुत अच्छे से बना, वो बना रही है आज, पर हाथ में तो आपकी घिया है, क्या हो गया तो मैं घिया की पता नहीं क्या ही नई तरीके वाले मिलेंगे कोफ्ते को खाने को आज, तो आप सभी लोग देखते रहना किस तरह से मैं बना रही हूँ इसे। व्लॉग तो मेरा चल रहा है, अच्छा आपका भी गाइस, यहाँ कितनी तेज है मम्मी, यहाँ पे रख रखा अपना गाइस। तो मम्मी बना रही है घिया के कोफ्ते, जैसे कि मम्मी ने बताई दिया आपको, और आज कोफ्ते की जगह कोरकोला ना बन जाए, आप बोल रहे हो ना आज कुछ नया तरीके से बनाएंगे, तो गाइस देखते हैं मम्मी कोफ्ते की जगह कोरकोला ना बनाए। गाइस मैं जो भी बनाती हूँ ना बहुत अच्छे तरीके से बनाती हूँ, आप भी नहीं मैं करवा दूँ, करवा देती हूँ गाइस, थोड़ा संस्कारी पना अभी दिखा देना चाहिए गाइस, मम्मी की थोड़ा हेल्प कर देते हैं हम। शगुन के नाम पे हमने हेल्प कर दिया गाइस, उनकी शगुन करके आ गए हैं अब। तो मैं अपने ये झुंड वालों से आज कुछ एक नया हेयर स्टाइल बना के आपको दिखाती हूँ। हेयर स्टाइल मुझे बहुत सारे आते हैं गाइस, पर बाल भगवान ने अच्छे नहीं दिए, तो इस वजह से मैं कोई भी हेयर स्टाइल आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, बट हाँ आते बहुत है। बट मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को रात बोला कि
वो एक हेयर स्टाइल बना के दिखा दे। इस दोस्त की ना मतलब शादी है घर में और उसका हेयर स्टाइल बनाना आता नहीं है, बट वो मेरे व्लॉग रेगुलर देखती है, रोज देखती है। और आप लोग भी ये काम क्या करो, रेगुलर देखा करो, चाहे आप काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, व्लॉग देखा करो। गाइस आप मेरे व्लॉग में क्यों आ रही हो, जाओ चलो यहाँ से जाओ। मैं आज ना हेयर स्टाइल बनाना सिखा रही हूँ उनको। गाइस ये वाला हेयर स्टाइल सीख लो, ये देखो हाईवे बनाना। सुनो गाइस मेरे को ये बताना और जरूर बताना, ये जो मैंने बनाती, तू मजाक मत कर, जो मैंने ये बनाती हूँ ये मेरे फेस पर अच्छा लगता है या नहीं लगता है जरूर बताना गाइस, कि मेरी हमेशा ये मजाक लेती है, नुकाती है, हाईवे बना कर रखा है। तो गाइस जो जैसे फेस पर अच्छा लगेगा ना, गाइस मम्मी सीरियस होगी, नहीं सीरियस नहीं होगी, सीरियस नहीं है, मैं बता रही हूँ सीरियस नहीं, जैसा फेस पर मतलब अब तुम्हें कैसे फेस पर कुछ लुक अच्छा लगता है वो ऐसे ही करेगा। मुझे जो ना मेरे फेस पे यू ये जो बाल का स्टाइल है अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा, शादी हो, ब्याह हो, घर हो, बाहर हो, ड्यूटी हो, कुछ भी हो यही चलेगा। ये हाईवे मान लो, ये हाईवे ये उसे बोलते हैं पफ, पफ पफ बोलते हैं इसे। ऊंचा अगर तुमने ऐसा कर लिया तो ये होगा सपट, अगर तुमने थोड़ा ऊंचा ऊंचा उठा कर ये हो गया पफ, ठीक है। ट्यूशन क्लास खोल लो आज, जाओ चलो गेम बंद कर दो, ट्यूशन क्लास खोल लो, आओ ट्यूशन क्लास में पप सीखा रहे। फाइनली अब यार देखना बीच में बोल जाती है बार बार, देखते सही से हटा अपनी समस्या को लेकर आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है इनको बोल रहा, कभी कुछ। लो बाय बाय गाइस, ये आ गया, लो लो जाओ। तो गाइस अब फाइनली अब मैं आपको एक छोटू तो क्यूट सा और जल्दी बनाने वाला हेयर स्टाइल बनाती हूं। वैसे मैं इसको व्लॉग पे अपलोड नहीं करना चाहता, मिनी व्लॉग पे अपलोड करना चाहता, मिनी शॉर्ट पे, दूसरे वाले चैनल पे, तो कोई बात नहीं। तो गाइस हमें ऐसे करना है, ये वाले बाल लेने ऐसे करना है, यहाँ पे क्लिप लगाने गए हम। तो गाइस ये देखो बिल्कुल छोटू सा बन गया है मेरा हेयर स्टाइल, और देखो और ये जो बाल है ना हमें ऐसे साइड से निकालने हैं। अगर ठीक वैसे मेरे फेस पे ये वाला सूट कर रहा है, अगर किसी के फेस पे नहीं करता ये वाला सूट, तो हमें इधर से भी ऐसे करना है, इधर से ऐसे बाल निकालने हैं, ज्यादा निकल गए ऐसे, फिर हम उसको ऐसे यहाँ पे क्लिप लगानी है ऐसे। गाइस क्लिप नहीं है तो आप ये वाला हेयर स्टाइल भी बना सकते हो, और ये सूट पे भी चल सकता है और घर पे नॉर्मल जैसे हम लोअर टी शर्ट में रहते हो उस पे भी चल सकता है। तो उसमें यहाँ पे ना एक ही चिमटी से ना इसे मैनेज करके दिखाती हूँ। तो गाइस ये हो गया मेरा मैनेज, लग गया क्लिप, और उसके बाद यहाँ से हम निकालने हैं दो बाल, और अगर गर्मी ज्यादा है तो ऐसे बना सकते हो, ये भी बहुत क्यूट सा लग रहा है गाइस। तो आप ऐसे हेयर स्टाइल बना सकते हो, और ऐसे ही हेयर स्टाइल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। देखो मैंने हेयर स्टाइल बना लिया है, यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, देख मेरा हेयर स्टाइल देख, इतना लंबा भाषण दे के अपने फोन में और जाके अंदर लेट गई है। अरे आपके करोकोला का क्या हुआ, तो बनाने वाली थी ना, तो गाइस करोकोला तो कोफ्ते के आज मम्मी नई रेसिपी बना रही है, नया नाम निकाला मैंने, नया नाम नहीं निकाला, मैं नए तरीके के जो ना कोफ्ते बना रही हूँ। तो अभी जो ना मैं इसलिए लेटी, मेरी ना कमर में दर्द है बहुत तेज, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ना उबलने के लिए रख दिए हैं मैंने, उबलने तलब तो मैं और वहीं पे खड़ी रहूंगी, लेट गई वैसे मेरे कमर में दर्द हो रहा, ठीक है आपसे कोई नहीं जीत सकता। मसाले मैंने मिला लिए हैं, तो ये जो है मेरे जो नई तरीके वाले जो नए तरीके के हैं, ये कड़कोला, कड़कोला ना है वो है कोफ्ते, कोफ्ते क्या क्या मिला लिया आपने इसमें, इसमें सारा सामान मिला लिया, हल्दी मिर्च सब्जी में डलता है। अच्छा, और यहाँ पर बेसन मिलाई है हमने, बेसन छान लिया। हाँ तो गाइस देख लो मम्मी छान रही है बेसन को, छान तो लिया है अब इसमें मिक्स कर रही है। गाइस तो मम्मी के जो मम्मी ने स्पेशल कड़कोला बनाया था मतलब कोफ्ते की जो सब्जी बनाई थी उसका लुक कुछ इस तरह से है, और ऐसे मम्मी ने बना दिए ये। गाइस तो आपको मैंने दिखा दिया मम्मी के करकोला किस तरह से बने थे, और जिसमें व्हाइट व्हाइट वो दही नहीं है मम्मी ने उसमें बेसन ऐड किया था। अब ये तो हमें भी नहीं पता कि वो कैसे बनेंगे, वो आपको मैं कल वाले व्लॉग में बताऊंगी, उसका रिव्यू कल वाले व्लॉग में दूंगी। फिलहाल तो ये व्लॉग हम एंड करते हैं गाइस, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए व्लॉग करते हैं एंड, आपसे लेते रहते हैं अलविदा गाइस, हम लोग एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और व्लॉग को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। Bye bye guys.